सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। तो मार्केट देखिए सुबह सुबह तेज खोल के वापस कल से भी काफ़ी नीचे आ गया है। फ्यूचर में आप देख सकते हो भाव 710 का कल का क्लोजिंग था, आज 676 आ गया, 670 का लो बना दिया। बैंक निफ्टी भी मैंने कल बोला था एक डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो वो उसको आज ऐसा करना ही है। बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है आज 39,300-400 भी आ जाएगा या 200 भी आ जाएगा। तो चलिए आज मेरी कुछ बातचीत हुई अभी मेरे एक दोस्त से, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुबह देखो सर, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। सर जी, सुबह कल क्या किया इन्होंने, एफआई में बाई करके गया, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं? किसमें बाई करके गया? इंडेक्स में, है ना, स्टॉक फ्यूचर में, ठीक है। कॉल थोड़ा सा बाई किया और पुट थोड़ा सा हल्का किया, यानी कि टोटल फ्यूचर सेगमेंट में बाई में गया। कैश में 850 करोड़ भेज दिए, ठीक है। आज सुबह उन्होंने क्या किया, एक ऐसा पहला 5 मिनट में 788 का फ्यूचर में हाई बना दिया अभी, और अभी आपके सामने 690 ला दिया। कितना ला दिया? 685 का लो भी बना दिया, 100 पॉइंट गिरा भी दिया उस हाई से। तो अगर आज शॉर्टर को ट्रैप करना होता तो वापस वापस कल के भाव के नीचे लाता क्या? बस इसका सवाल का जवाब दीजिए। शॉर्टर नहीं यार, लॉन्गर मिला है, लॉन्गर, क्योंकि कल बैंक निफ्टी में सबके अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट आया, और मैंने कल वीडियो बना के बताया कि बड़े भाई ये ट्रैप है, बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि आप आरएसए के डाइवर्जेंस देखो ना, पिछला 38,700 पे बैंक निफ्टी का आरएसआई था, वहां से आरएसआई 16 पॉइंट नीचे है अभी, और उसका हाई से ऊपर क्लोज दे चुका है। इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस का खेला आपको मैंने पहले भी दिखाया कि नहीं सर? बोलिए, आपको दिखाया कि नहीं? हाँ। तो आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे तो 500 भी टूटता हुआ दिख रहा है निफ्टी। अभी लिखा रुपये से नया लो 684 आ गया फ्यूचर में, 682। अच्छा, देख लो आप, अभी कितना टाइम हुआ, 9:46 हुआ अभी आपका, अभी तक गिनती करके अभी 30 मिनट हुआ है। 30 मिनट में मार्केट ने ऊपर से 108 पॉइंट तोड़ दिया, आप 80 का भी तोड़ दिया, 676 लो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं सर, मेरे को आप बता दीजिए, अगर आपको ज्यादा जानकारी है, मेरे को तो कम है। बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग फ्यूचर में 920 की, ठीक है, सुनते जाना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। सुबह के पहले 5 मिनट में तुमने 40,174 का ट्रेड करा दिया, कितना ट्रेड कराया, ऐसा नहीं कि खाली फ्री छापा है, ठीक है, और अब तुम माल देने तैयार हो गए, 870 ला दिए तुम, 40,174 से 870, अभी 30 मिनट नहीं बीती है, क्या होता है इसका मतलब, चलो समझा दो, आपको ज्यादा जानकारी है ना, तो मैं नहीं, सही बात है, ये तो है, तो देखो पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का है ये मुताबिक नहीं, कल जो मैंने खरीद के गया था ना वो तुमको, क्योंकि मेरी मेरी इंडेक्स में नेट लॉन्ग 19% आ गई थी, और अब आ गई है 23%, और पीसीआर कल 1.04 के नीचे जा चुका था, अब मैंने ला दिया पीसीआर को 1.22। अब मैं यहाँ से 1,000 पॉइंट गिरने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। देखो मुश्किल है भगवान, लेकिन हो सकता है सर, 675 का तो लो बना दिया वो भी तक फ्यूचर में, तो उससे मतलब नहीं है ना, वही तो बहुत हो जाते हैं सर। मैं 500 टूटेगा करके बोल रहा हूँ आज, चलिए ठीक है ना, आ जाए। अभी सिंगापुर में बैठो ना तुम, कहाँ बैठे हो? सिंगापुर से सैल्यूट मारना, फोटो खींच के, ठीक है ना, जय हो गणपति बप्पा मोरिया। तो सुना आपने, ये सुबह की 9:40-41 की बातचीत है। तो अब तो मार्केट 649 का लो मार दिया, 648, तब हमारा बातचीत हो रही तो 675 का लो था। तो ये पूरी ट्रिक्स उनको समझाया मैंने, और आप देख लो बैंक निफ्टी का क्या हाल हुआ है, लोग
लोग समझते हैं, मैं जो रीडिंग दिखाया कल, आज सब बैंक निफ्टी में ट्रैप होंगे। ये 39,000 भी आ जाए तो कोई भरोसा नहीं आज। अब आ जाइए, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में क्या लिखा वो भी देख लीजिए मेरे। अरे यार ये क्या है, खुलता और नहीं है। ये देखिए एक ही पोस्ट दिया आज 9:25 पे, टुडे ह्यूज करेक्शन इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन कम बी अलर्ट, 9:25। बस यही व्यू आज का, तो आपके सामने है 639, कहाँ से 788 से, ये 40174 से 833 कल से भी नीचे। तो ये है कमाल, पूरी बातचीत आपने अच्छे से सुनी होगी, कहीं पे भी मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाया, मैंने बोला ये परफेक्ट है, क्योंकि कल इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में भी बाई की एफआईज ने, जो मुझे सरप्राइज किया, जो 84,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में थे कल क्यों बाई किया, क्योंकि आज उनको तेज खोल के तुमको सुपर कॉन्फिडेंट करना था। और देखिए 15-20 मिनट में तो आपको, आधे घंटे में तो माइनस, अभी तो 10:14 हुई है, अब देखो 1 मिनट बाकी है 1 घंटे में, और आप अच्छे खासे माइनस में आ गए, अच्छे खासे 78 पॉइंट प्लस में थे, उसकी जगह 55 पॉइंट माइनस में आ गए। और ये पुट देखे जो कल मैंने बातचीत की थी 17,700 का, कल 138 पर बंद हुआ, और आज 84 का लो बना के अब 155। तो सब कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है, बाकी भोलेनाथ जानता है। मैं तो कोशिश करता हूँ बोलने की, जो मुझे दिखता है वो बोलता हूँ और स्क्रीन पे बोलता हूँ, राइट रॉन्ग होना ऊपर वाले के हाथ में। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।